नमस्कार, मैं हूं देवांशी मित्रा। यूं तो हिंदू धर्म में किसी घर या मंदिर के शिलान्यास में पवित्र नदियों का जल और मिट्टी का इस्तेमाल होता है, और बात जब अयोध्या के रामलला के मंदिर के शिलान्यास की हो तो फिर चार धाम की मिट्टी और पवित्र नदियों के जल का इस्तेमाल तो होगा ही। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए चारों धामों की मिट्टी और पंचप्रयाग के जल का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए बद्रीनाथ की मिट्टी और अलकनंदा नदी का जल शिलान्यास के लिए अयोध्या ले जाया जा रहा है। इतना ही नहीं, मिट्टी और जल को भगवान बद्रीनाथ के गर्भगृह से स्पर्श करवाया गया है और सिंह द्वार से अयोध्या के लिए रवाना किया गया। कलश में जल और मिट्टी यहां से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद के स्वयंसेवक अयोध्या पहुंचाएंगे। इस कार्यक्रम से जुड़े सदस्यों ने बताया कि हरिद्वार में उत्तराखंड के चार धामों से सामूहिक रूप से जल एकत्र होकर 29 जुलाई को अयोध्या रवाना होगा। बता दें कि 5 अगस्त दिन बुधवार को भगवान श्रीराम के भव्य ऐतिहासिक मंदिर का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसके लिए पूरे देश से विद्वानों और पंडितों को बुलाया जा रहा है। भूमि पूजन का कार्यक्रम सावन पूर्णिमा यानी 3 अगस्त से शुरू हो जाएगा और 5 अगस्त तक चलेगा। राम मंदिर के मुहूर्त को लेकर विद्वानों में मतभेद था, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अभिजीत मुहूर्त में राम मंदिर का शिलान्यास होगा और 200 के आसपास गेस्ट भी होंगे।